मंजिल तो यूं ही मशहूर है, असली मजा तो सफर का है। दो साल से हम लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग की थी इसको लेके। सो हम लोगों ने एक आइटिनरी बनाया था जिसमें सारे डिटेल्स हमने डाले थे एंड एक मैप बनाया था उसी आइटिनरी के हिसाब से। और हम लोगों ने एक और लिस्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने ये डाला था कि हमें क्या क्या सामान लेके जाना है। एंड फाइनली वो दिन आ गया था जब हम लोग लद्दाख के लिए निकलने वाले थे। ट्रिप के पहले दिन एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ और होता है और इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग फर्स्ट डे 1000 किलोमीटर्स कवर करेंगे। हम लोग अभी लखनऊ के रास्ते पे हैं और प्रयागराज क्रॉस किया हम लोगों ने एंड बीच रास्ते में इतनी जोर से बारिश स्टार्ट हो गई है, मतलब विजिबिलिटी पूरा ही खत्म हो गया है। वी डोंट नो अभी इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे और मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो कितने दूर जा पाएंगे। भूख लगा है तो अभी हम लोग एक ढाबे में रुके हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग गया था तो कुछ खाने के लिए रुके हैं। एंड ये एकदम ही एक हाईवे के ऊपर एकदम अंधेरे में एक ढाबा है, बहुत ही बेसिक सा, बट एंड इट्स प्योर वेज। सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स प्योर वेज। और फाइनली 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट हॉल्ट हमने लखनऊ में लिया। 10:33 और हम लोग अभी जस्ट लखनऊ से निकले हैं। ये रहा शुभ्रत, देखते हैं आज हम लोग कहाँ जाते हैं। कल हम लोग अपने फ्रेंड के वाइफ के मायके में रहे थे एंड उन लोगों ने हम लोग का बहुत ज्यादा खातिरदारी किया। एकदम ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग मतलब किसी और के घर पे आए हैं, ऐसा लग रहा था अपने ही घर पे आए हैं। इवन अभी भी अंकल हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं। इनफैक्ट ये देखिए, अंकल अभी भी हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं जबकि उनको काम पे जाना है खुद, बट ही स्टिल मतलब वो चाह रहे कि हम लोग सही से पहुंच जाए, अच्छे से पहुंच जाए। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मतलब एक्सप्लेन ही करना मुश्किल हो रहा है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, लेट्स सी कि आज हम लोग कहाँ जाके रुकते हैं, बिकॉज अभी हम लोग 10:30 बज गए हैं, काफी लेट एक्चुअली। सो लेट्स सी हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं आज।
एंड द एंड ऑफ द सेकेंड डे जर्नी चंडीगढ़ में है एंड दिस इज हाउ मच वी हैव ट्रैवल्ड. लेट्स सी कल हम लोग कहाँ पहुँचते हैं. पूरे दिन में मेरे लिए सबसे ज्यादा शांति वाला टाइम तब होता था जब आकांक्षा 15 मिनट के लिए पावर नैप लेती थी. जम्मू एंड कश्मीर एंटर करते ही लैंडस्केप ऐसे चेंज हुए और इतना अमेजिंग लग रहा था देखने में कि हम लोग का 3 दिन का ट्रैवल का पूरा थकान एकदम सिमट गया. श्रीनगर के रास्ते पे हैं हम लोग अभी. राइट नाउ वी आर एट जम्मू. शुभ्रोतो इज हैविंग लंच. मेरा अभी मन नहीं है उतना कुछ खाने का तो मैं उसी के प्लेट में से 2-3 bites खा लूंगी. हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल से वो खरीदा था स्प्रे बॉटल जो जिसमें आप मतलब शैम्पू डाल के विंडशील्ड क्लीन कर सकते हैं. तो राइट नाउ शुभ्रोतो इज गोइंग टू क्लीन आवर विंडशील्ड विथ दैट एंड आई विल शो यू द वीडियो. हाँ ठीक है, जहाँ कम है वहां डालो ना, कॉर्नर्स में डालो. चलो अभी आगे बढ़ना है कि नहीं? आज फाइनली हम लोग लद्दाख पहुंच जाएंगे. इसमें बॉर्डर आएगा, यही कलर आएगा अलग अलग. अच्छा क्वालिटी सबसे बढ़िया है. अच्छा
का व्लॉग तो हम लोग शूट किए नहीं थे अभी तक. सुबह उठे थे हम लोग आराम से, एंड आराम से उठने के बाद हम लोग फिर राइड के लिए निकले थे, शिकारा राइड के लिए. फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया एंड फिर यहाँ से निकले हम लोग. श्रीनगर से निकले थे अराउंड 12 o'clock आई थिंक. हाँ साहबी, 12 o'clock हम लोग निकले थे श्रीनगर से फॉर कारगिल. अब हमारा प्लान तो ऐसा था कि जाएंगे हम ले तक आज ही. हम लोग सोच तो यही रहे थे कि आज ही हम लोग ले चले जाएंगे एंड वहीं पे हॉल्ट लेंगे ताकि कल सुबह हम लोग आराम से वहाँ पे परमिशन वगैरह सारा परमिट्स वगैरह करवा सके एंड हम लोग के बॉडी के लिए भी थोड़ा सा एक्लिमेटाइजेशन भी हो जाए. बट अभी सुनने मिल रहा है कि शायद यहाँ पे रात को ये लोग ड्राइव करने नहीं देते हैं, इसलिए अभी तो हम लोग कारगिल की तरफ जा रहे हैं. अगर नहीं करने दिया तो विल स्टे एट कारगिल, और अगर करने दिया तो मे बी विल मूव फॉरवर्ड एंड हेड टुवर्ड्स द. तब तक मैं आप लोग को व्यू दिखा देती हूँ. सो बेसिकली अभी हम लोगों ने जस्ट सोनामार्ग क्रॉस किया है एंड दिस इज द व्यू एंड इट्स स्पेक्टेक्युलर. इट्स अमेजिंग. वेट, से कि इन रोड्स पे ड्राइव करना लाइक मतलब क्या बताऊं इसको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. इट्स थ्रिलिंग एंड बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है. मतलब ऐसा सोचा नहीं था, हमेशा ये सोचता था कि कैसे कब जाएंगे कब करेंगे ऐसा कुछ, एंड नाउ वी आर डूइंग इट. सो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है. लद्दाख एंटर करने के बाद हमारा सबसे पहला स्टॉप कारगिल था, और कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर घुसते ही आपको बहुत ही पेट्रियोटिक वाइब्स आएंगे एंड इट फील्स अमेजिंग. सो इट इज 6:30 इन द इवनिंग एंड वी हैव रीच्ड कारगिल वॉर मेमोरियल. अभी हम लोग लेट चल रहे थे क्योंकि हम लोग रास्ते में बहुत सारे स्टॉप्स लेकर आ रहे थे. एंड शुभ्रो तो गाड़ी लाने के लिए गया है, वो गाड़ी लेकर आएगा, मैं गाड़ी में बैठूंगी और यहाँ से हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स कारगिल. हम ले सुबह 4:30 पहुँचे थे. इट वॉज अ फुल मून नाइट और श्रीनगर ले हाईवे के स्मूथ रोड्स पर गाड़ी ड्राइव करते हुए उस चांद की रोशनी को नदी पे गिरते हुए देखना उन ऊंचे पहाड़ों के बीच हमारे लाइफ का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था. तो हम लोग 16th मॉर्निंग को चले थे एंड इट्स बीन 4 days ऑफ जर्नी एंड वी हैव फाइनली रीच्ड लद्दाख. आकांक्षा को शायद थोड़ा सा मतलब सिम्टम्स दिख रहा है AMS का, तो उसको सर दर्द हो रहा है और कुछ हो रहा है क्या? नहीं तो वैसा कुछ नहीं है, तो इसलिए तो मे बी हाँ ये भी हो सकता है कि शायद वो भूखी है. तो अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों का हालत कैसा है. ऐसे भी हम लोगों ने आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, वी विल जस्ट मेक द परमिट्स. तो आकांक्षा तब से ऐसा ऐसा इशारा कर रही है कि उसके तरफ भी कैमरा घुमाया जाए. बहुत देर से मैं ही बकबक कर रहा हूँ और उसके आवाज़ भी एकदम नहीं है. ये रोड ट्रिप में जितना तो अपने रोड्स द ट्रिप्स में क्या किया, रोड्स द ट्रिप्स में जितना अच्छा व्यूज आपको मिलता है उतना ही
अत्याचार आप अपने बालों के साथ करते हैं। आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको कैसे सुलझाऊंगी क्योंकि इतने ज्यादा फ्रिजी और उलझे हुए हो गए मेरे बाल, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा भी अगर ब्रश कॉम करने का कोशिश कर रही हूँ ना, इट्स हर्टिंग। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं जाऊंगी पहले ऑयल खरीद के लेके आऊंगी, ऑयल मसाज करूंगी, फिर अपने चटाधारी जुल्फों को सुलझाऊंगी एंड देन आई हैव अ शैम्पू बट। बट इससे ज्यादा इजी तरीका है, लुक एट माय हेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम लोगों ने एक्लिमेटाइजेशन के साथ साथ व्यूज़ भी इन्जॉय करना चाहा एंड वी वेंट टू एक्सप्लोर नियर बाई प्लेसेस, और हमारा इनलैंड परमिट होटल वालों ने करवा दिया था। राइट नाउ हम लोग हैं मैग्नेटिक हिल पे एंड अभी हम यू टर्न लेके उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से गाड़ी अपने आप आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पे एटीवी वगैरह ये सारी गाड़ियाँ लाइन पे हैं, सबको मैग्नेटिक हिल का फिनोमेनन एक्सपीरियंस करना है। सो इस पोजीशन में बोला गया है कि इसको गाड़ी को रखना है न्यूट्रल पे हमने कर दिया है। अभी सामने गाड़ी है जिससे लोग मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब ब्रेक दबा के रखा मैंने, जीरो पे है अभी। और ये ऑल्टीट्यूड भी देख लीजिए हमारा 3383 मीटर्स एंड नाउ कार धीरे-धीरे मूव करना शुरू हुआ है, काफी स्लो स्पीड में मूव हो रही है गाड़ी, बट हो रही है एंड ऑल्टीट्यूड बढ़ रही कम रही है, मतलब कोई कॉन्स्टेंट ऑल्टीट्यूड नहीं है। पता नहीं इसके ऊपर और बढ़ेगी या नहीं, अभी तो एक पॉइंट ड्रॉप ही हुआ है, लेट्स सी कि क्या होता है, ये बढ़ता है कि नहीं। टानने लगेगा शायद से, मतलब गाड़ी अभी धीरे धीरे स्पीड कुछ ज़्यादा ही पकड़ रही है एंड ऑल्टीट्यूड इज सेम, डिफरेंस नहीं है 24, 25। so तो ये इतना स्पीड ही अपने आप गई है गाड़ी, दैट इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक हिल। After spending some time with the nature, हम अपने होटल वापस चले गए। एंड किसी ने बहुत खूब कहा है, हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी, और हमारे लद्दाख ट्रिप की कहानी अभी बाकी है। सो कीप वेटिंग अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज्यादा प्लीजिंग व्यू कौन सा लगा।